आज मैं जयसिंहपुर ग्राम सभा में आई हूँ और यहाँ पर जैसे कहने की बात नहीं है कि आज हमारा गांव भी इतना जागरूक है और यहाँ पर देखा जाए तो एक से एक लोग हैं जो उनके अंदर में हुनर की कमी नहीं है। 17 साल की एक बच्ची है और वो गाने के उसके गले में सरस्वती ने वो आवाज़ दे रखी है कि जिसके सुनते ही जादू जैसा होता है और लोग सुनने के लिए आतुर भी होते हैं। तो आइए हम चलते हैं, उस बच्ची से मिलते हैं, जानते हैं कि आखिर वो किस किस तरह के गाने को गाती है। इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरियां, काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है प्यारा, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरे फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। अच्छा, आपने सीखा है या ये ऑटोमेटिकली आपको? ऑटोमेटिक हमें, मेरी आवाज़ पता नहीं अच्छी, अपने आप से अच्छी हो, कहीं सीखे नहीं है, कोई सिखाया नहीं है मुझे। अभी आप जैसे गाने के लिए कहीं से आपको ऑफर आया है बाहर या आप अपने कहाँ कहाँ पर गाना गाए? नहीं, अभी तो कहीं गई नहीं हूँ, बस स्टूडियो में ही गई हूँ, गाई हूँ बस। तो ये कहाँ का स्टूडियो था? फैजाबाद रेड स्टूडियो, गणेश सिंह, मैं यहाँ गई हूँ। सीखना चाहते हैं और मैं आगे सीखना चाहती हूँ। तो क्या फैजाबाद में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपना है क्लास जगह, लेकिन अभी ढूंढे नहीं है कहीं, बस स्टूडियो में ही गया है, सीखे नहीं है, बिना सीखे ही गया है। आपका सपना? सपना मेरा ज़्यादा करके सिंगर ही बनना है। लग जा गली के फिर हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गली के फिर हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा, जैसे आप गाते हो तो आसपास में शादी ब्याह भी होता होगा तो वहाँ भी आप जाते हैं? नहीं, शादी ब्याह में तो नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं दुर्गा पूजा बैठता है, माता जी बैठती हैं, वहाँ गाते हैं माता जी का गाना। तो जैसे आप आसपास के लोगों का क्या रहता है, आप पड़ोसी जैसे होते हैं कि कोई काम करो तो सबसे पहले पड़ोसियों का नज़र होता है, तो उनका किस तरह से आप पे मतलब वो होता है? पड़ोसियों का नज़र वो लोग भी चाहते हैं कि हम बने, वो लोग भी कहते हैं कि हाँ अच्छा गा रही है ये, और बुलाते भी हैं गाने के लिए, आओ गाना गाओ, बुलाते रहते हैं। हमको मिली है यार जी घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।